Let's see what is this. सिटिंग करके दो बियर लेके बैठे रहते हैं, अपने एंजॉय कर रहे होते हैं, आराम से रिलैक्स चिल। बॉडीज ऑफ मॉम्स वी शुड बरीड हियर इन दिस प्लेस। अभी उनको कवर करके डैप बना रहे हो आप? बहन मैं बना रहा हूँ अभी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं कोविड टेस्ट करवा के आई हूँ एंड आई पेड लाइक 1000 लोकल करेंसी ऑफ यूक्रेन एंड आई विल गेट द रिजल्ट विद इन 24 आवर्स। आई वॉज इन अ हरी क्योंकि मुझे जल्दी करवाना था कोविड टेस्ट, सो आई डिड नॉट पुट आउट एनीथिंग। आई जस्ट वोक अप, वॉश माई फेस एंड जस्ट गॉट हियर और कोविड टेस्ट कर लिया मैंने। इट वॉज वेरी फास्ट और रिजल्ट कल मिलेगा एंड राइट नाउ इज 12 o'clock और मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ एंड देर आर सम लाइक स्मॉल स्टोर्स और यहाँ पर टोमेटो सब कुछ मिल रहा है 45 फॉर क्यूवी। रेस्टोरेंट भी है, इट्स लाइक यू नो अंडरवे है रोड का अंडरग्राउंड एंड दे हैव वेजिटेबल्स फ्रूट्स लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ शॉप्स टाइप का लगा हुआ है। यहाँ पर लोग मीट बहुत खाते हैं, दे ईट लॉट्स ऑफ मीट एंड आई कैन सी लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ मीट का स्टॉल्स। अभी मैं सोच रही हूँ जाने के लिए चर्च में एंड वहाँ पर जो केव है वो देखना था। I couldn't go yesterday because it got late, dark. तो मैं खाना खा के वापस घर चले गई। So now I will go. मैं अभी कैब बुक करती हूँ फर्स्ट एंड आफ्टर बुकिंग द कैब आई विल गो टू द केव चर्च जहाँ पर मैं अभी गई थी। I'm here to this monastery. और यहाँ पर there is a burial ground of the monk since like 11th century. देर इज़ लाइक केव्स जो मॉन्क्स का बरी हुआ है उसका सब कुछ यहाँ अंदर है। जैसे इस मोनेस्ट्री और अ चर्च और मॉन्क्स भी है, चलते हैं अंदर। ओ एंड बाय द वे मैंने यहाँ पर पूछा गाइड के लिए एंड दे चार्ज लाइक 350 यहाँ का करेंसी फॉर द गाइड। मैंने सोचा कि मैं गाइड नहीं लूँगी एंड आई विल जस्ट गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर बाई माई सेल्फ। आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत लिखा होगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन अबाउट द केव। अंदर आ गई हूँ मोनेस्ट्री का। दिस प्लेस इज सो बिग और कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ भी नहीं है, इट्स ऑल रिटन इन देयर यूक्रेनियन लैंग्वेज। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ के जो मॉन्क्स है वो काले कपड़े पहनते, लाइक दे वेयर ब्लैक। इन भूटान वी वेयर द मॉन्क्स वेयर रेड एंड हियर ब्लैक। मे बी इट्स डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। लेकिन बहुत बड़ा है, आप देख लीजिए पीछे, ये सारा मोनेस्ट्री है। और मैं तो जा रही हूँ वहाँ पर, आई कैन सी सम पीपल, उन्हीं को फॉलो करूँगी मैं क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। सो बेटर ऑप्शन इज़ टू फॉलो देम। Guys, so I just saw the bodies of the monk who were buried here in these monasteries and it is there inside this building, inside this place. And you were not allowed to make videos or take photographs, to many video photographs kuch bhi nahi bataya, but it's like the bodies of monks which were buried here in this place. Abhi unko cover karke they have put it on inside a like a coffin and I could see the hand as well. जो इट रिमाइंडेड मी ऑफ द ममीज एक्चुअली जो मैंने इजिप्ट कायरो में देखा था। इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। द ओनली थिंग वॉज दे आर द मॉन्क्स हियर और फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं था, सो आई कुडंट मेक एनी फोटोज। बट अभी चलती हूँ ऊपर, अच्छा लगा मुझे देख कर, इट फील्स नाइस। भवन शर्मा अभी हम किधर हैं? अभी हम डिनिप्रो रिवर के ऊपर हैं, ठीक है।
वो पीछे डैम दिख रहा है छोटा सा. ओके. और ये दिनिप्रो रिवर है पूरी, ये जो जो कि ये मिन्स्क से आ रही है, बेलारूस मिन्स्क से. ये छोटा सा एक गांव है इसके आसपास में, वो छोटा सा बारबेक्यू के लिए आइलैंड है. यहाँ पे लोग बीच पे आके बैठे रहते हैं. ठीक है, इस बार तो माइनस में टेम्परेचर गया ही नहीं है. जब माइनस में टेम्परेचर गया चला जाता है तो ये पूरी बर्फ की तरह जम जाती है. तो इसके ऊपर लोग राइड्स करते हैं, ड्राइव करते हैं. ड्राइव कार? यस. लोग जो जो यहाँ के ट्रेडिशनल ओल्ड लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं, चेयर लगा के और पाइप से कुछ करके और वो फिशिंग करते हैं. हाँ, बर्फ होती है बिल्कुल, सिटिंग करके दो बियर लेके बैठे रहते हैं, अपने एंजॉय कर रहे होते हैं आराम से, रिलैक्स, चिल. वो मैं दिखाती हूं कैसा वो विश ग्रोव है. एक नया टाउन कटा है वहां पे. वो दैट वन इज न्यू टाउन. दैट वन इज अ न्यू टाउन. एट अ विलेज जो रिवर के साइड में एक छोटा सा गांव है, तो हम वहाँ गए. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाउस दैट यू सी बिहाइंड मी. सो आई हर्ड दैट यहाँ पर इन ऑल द हाउसेस दे एटलीस्ट प्लांट लाइक वन ट्री और टू ट्रीज, उनका कॉन्सेप्ट है. एंड द हाउसेस आर वेरी क्यूट. दिस इज नॉट लाइक आउटसाइड लाइक द एग्जैक्ट विलेज, जैसे आपने देखा हो बुकोवेल द प्लेस वेयर वी वेंट, दैट वॉज ऑल्सो विलेज. बट दिस वन इज राइट नेक्स्ट टू कीव, जो कैपिटल है यूक्रेन का. इट इज़ राइट नेक्स्ट टू इट. सो दिस प्लेस वॉज प्रीवियसली अ विलेज, लेकिन अब क्या हो गया है बिकॉज द डेवलपमेंट एंड टॉल बिल्डिंग स्टार्टेड कमिंग नियर, तो फिर इसको ऑलमोस्ट कीव ने कवर कर लिया है. बट स्टिल द पीपल हियर लिव्स इन द ट्रेडिशनल वे, जो यूक्रेन का स्टाइल है. एंड द हाउसेज आर स्टिल ट्रेडिशनल, जैसे आप देख सकते हो. This house has some grapes and some chicken hen. There's a cat as well. वहाँ एक अंकल घर बना रहे हैं शायद. गाइस यहाँ पर grapes भी है plant किया हुआ. खा लो क्या? इज दिस ग्रेप्स? नो दिस इज नॉट ग्रेप्स. और दिस इज ब्लूबेरीज. ग्रेप्स वो ग्रेप्स नहीं था, दैट वॉज ब्लूबेरी. अभी देखा अच्छे से मुझे. Now, कोई बाहर वॉक नहीं कर रहा है. आई थिंक इट्स टाइम टू लीव दिस विलेज. आई डोंट सी एनी वन आउटसाइड. इज दिस सम काइंड ऑफ बेरीज? आई डाउट. आई कैन सी द सेम बेरीज देयर एज़ वेल. टेस्ट करके देखती हूँ. आई होप इट इज एडिबल, क्योंकि घर के लेट्स सी व्हाट इज दिस. क्या था ये? वेरी सॉर. दिस इज द ओल्ड वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. हां वो अपना है. ठंडा ठंडा पानी है. ठंडा पानी. लेट्स ड्रिंक. ओह माय गॉड. इट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड. यस, कम फ्रॉम द ग्राउंड. गाइस तो मैं अभी ये विलेज के हाईवे में हूं एंड मिस्टर भवन शर्मा हैज ऑलरेडी लेफ्ट. और यहाँ पर एक शॉप देखा मैंने. देयर इज अ लेडी हियर एक वेंडर एंड शी हैज बॉट एवरी फूड फ्रॉम हर ऑन होम. तो ये सब कुछ होम मेड है एंड दिस इज ऑल फ्रॉम हर गार्डन. यहाँ पर कुछ फ्रेश मिल्क, चीज, एग्स, पिकल्स, टोमेटो, चिकन भी और पिकल्स. शी हैज अ लॉट ऑफ पिकल्स. सोचू कि मैं कुछ खरीद लूँ यहाँ से. टेकिंग सम एग्स फ्रॉम हर. और कल ब्रेकफास्ट यही बनाऊंगी, एक बुर्जी.
भाजी आ गई शायद चाकू यू विदेश में ही गांव में कॉफ़ी पीने आई हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा कैफे देखा मुझे, थॉट आई विल कम एंड टेक माय कॉफ़ी हियर। हेलो ये है आलू की टिक्की एंड सम मशरूम एट टॉप एंड आई थिंक दिस इज मेयोनीज। तो अभी मैं ये खाने जा रही हूँ। सो एंड आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। वेरी कोजी रेस्टोरेंट गाइस। बहन मैं बना रहा हूँ अभी चिकन मसाला। चिकन मसाला बेस्ट कुक। यू आर द बेस्ट कुक। Sounds crazy because I adore masala, but I don't know what is chicken masala. Well, he will even make it. I will even eat meat. You'll even eat meat today? Yes. You'll try it? Yes. For keeping the company and to have this experience with you. Masala, guys. Masala or budget would be the vegetarian, and apart from that masala, I will take masala in the fridge, so you can use tomorrow some chicken or some beans. Or you can use tomorrow some, I don't know, anything. But why me? We will stay and eat it tomorrow. Yeah. Chicken kaafi acha ban raha hai. Dikhana please. Ek second thod dena, mujhe thoda iska tez karna hai. Yeah, chicken. Chicken is getting ready. Oh ho. Aur yahan par rice ban raha hai. Hello, sir. Are you drinking chai? No. Tea? This is sparkling water. Uh-huh. Not Baltica, no. Oh, no. This is sparkling water. Sparkling water of Ukraine. Sparkling water. It comes in bottles like this from Ukraine. You would have never guessed. Only in Kiev. Okay, the rice is ready. We have some chicken, rice. Executive chef here, Shubham. Спасибо большое. And our food our critic. Indian, our Indian chef that speaks. And our food critic. I'm a very big food critic. Thank you so much, Shubham, for the food. Oh, хорошо, хорошо. Yeah, and what's Mr. Miss Lena doing inside? Not Mr. I was Miss Lena. Yeah. Come and sit with us. We can do it later. I'm getting pork, just for case if I can't. Uh-huh. If you can't eat with the hand. Have you ever eaten with your fingers before? Yeah, she tried that day. You know, I was excited, guys. I've got such an experience. Why is that opening? So guys, we try cut you. मैं बनाऊं छड़ा बने ऐसा हो सकता है सेल्फ प्रेज इज अ डोंकी प्रेज।